ओके okay, कोई भी गाना चाहे कोई भी गाना हो तो चलिए हम लोग अब इसको शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक ड्रम पैड ले रखा है यहाँ मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को लाइक अगर हम लोग इस पर जाए ओके हमने ड्रम पैड ले रखा है सो so, हम लोग इसके पियानो रोल में जाएंगे लेकिन इसको करने के पहले सब लोग आपको इसको सिखाता होगा कि ऐसे कर दो ऐसे कर दो ऐसे कर दो बट हम लोग ऐसे आज नहीं सीखेंगे ऐसा सीखेंगे कि आसान तरीके से भी सीख जाए और प्रोफेशनल भी लगे सुनने में गाइस सबसे पहले कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है लेकिन नॉलेज वाला चीज़ अक्सर बोरिंग ही होता है अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हो यानी आप बेस्ट होने वाले हो इस लाइन में ओके तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ये चार इसको बोलते बार क्या बोलते हैं इसको बार तो एक बार वन से ले कर टू तक एक बार टू से ले कर थ्री तक दो बार थ्री से लेके फोर तक तीन बार एंड फोर से लेके फाइव तक चार बार ओके okay? अब इस चार बार में देखिए छोटी छोटी लाइनें हैं ओके okay? दिख रही होंगी आपको तो बेसिकली ये लाइनें कुछ नहीं है इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बीट्स मैं शो कर रहा हूँ ये तो बार है बीट्स से ये देखिए इस छोटी लाइनें में जो ये आपको दिख रही है वन टू थ्री फोर ये बीट्स तो इसमें एक बार में चार बीट है कितने बीट है एक बार में वन two, three, four, देन five, six, seven, eight. तो जो मैंने ये गिनाया आपको वन टू थ्री फोर ये है बीट्स और ये वन से लेके कर टू तक है बार ये यहाँ से लेके कर यहाँ तक पहला बार है फिर यहाँ से लेके कर यहाँ तक ये यह दूसरा बार है फिर यहाँ से लेके कर यहाँ तक ये यह तीसरा बार है फिर यहाँ से लेके कर यहाँ तक ये यह चौथा बार है तो बहुत सारे लोग ये चीज़ नहीं सिखाते जिसके वजह से आप लोग को बनाना म्यूजिक बहुत मुश्किल हो जाता है इसको सीख लेने के बाद भाई साहब कमाल कर दोगे आप सोच भी नहीं सकते हो कि आप ऐसा बना सकते हो देन ये तो बात हो गई बार्स की और बीट्स की अब ये हर बार में यानी वन टू थ्री फोर में हर बार में चार बीट्स है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन सिक्सटीन दिख रहा है चार चार बार है वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर जब हम लोग मेट्रो नॉम भी ऑन करते हैं तब भी हमें यही सुनाई देता है सुन के देखिए वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर इसका मतलब क्या है किस सिग्नेचर टाइमिंग में है? बहुत लोग बोल रहे थे ना सिग्नेचर टाइमिंग क्या होता है मेरे को सीखना है सर यही है वो सिग्नेचर टाइमिंग ये सिग्नेचर टाइमिंग है फोर बाई फोर का यानी कि वन से ले कर फोर बार्स तक में अगर चार चार बीट है अगर पर बार में मान लीजिए इस बार में एक से ले ये एक बार में वन से ले कर टू तक में अगर फोर बीट्स है वन टू थ्री फोर तब ये आपका हो जाएगा वन बाई फोर बट अगर ये फोर यानी क्या वन से टू टू से थ्री थ्री से फोर फोर से फाइव यानी ये चार बार तक चार बार यहाँ तक आता है भाई पाँचवा नंबर तक ठीक है तो अगर इसमें हर घर में अगर चार रूम है इसको रूम मान लीजिए इस छोटे वाले को अगर हर घर में चार रूम है तब इसको हम लोग बोलेंगे फोर बाई फोर क्या बोलेंगे फोर बाई फोर की सिग्नेचर टाइमिंग देखिए यहाँ पे भाई टाइम सिग्नेचर यहाँ आपको दिख रहा है मैं टाइप कर रहा हूँ ये देखिए ये. ये है फोर बाई फोर ओके okay, तो ये तो हो गई फोर बाई फोर हमारे ज़्यादा सॉन्ग बॉलीवुड में तो 95 परसेंट इसी टेम्पो में बनते हैं सॉरी इसी सिग्नेचर टाइमिंग में बनते हैं बट जैसे हमारे सॉन्ग्स है तेड़ी दीवानी है ना गाना तूने क्या कर डाला मर गई मैं मिट गई मैं इस तरीके के गाने बने हुए हमारे थ्री बाई फोर में अब भाई थ्री बाई फोर क्या होता है बोर्ड मत होना ऐसा नहीं करना कि बोर्ड हो जाना और वीडियो को छोड़ के चलो भाई नॉलेज का चीज़ बता रहा है निकलो यहाँ से अगर आज आप निकल गए तो हमेशा के लिए निकल जाओगे टिक गए तब कसम से मैं चैलेंज करता हूं जो आप बनाओगे ना आप सोच भी नहीं सकते हो थोड़ा सा नॉलेज वाला चीज है ध्यान से सीखिए ठीक है थीके? तो अभी तक हमने सीखा था फोर बाई फोर यहां पे देख के अब हम लोग इसको कर देते हैं थ्री बाई फोर मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड सॉन्ग बॉलीवुड सॉन्ग जिसमें तबला वबला बहुत यूज होता है ये थ्री बाई फोर में ही होता है भाई अब देखिए क्या चेंजेस आ जाएगा पहले तो ये तो बार तो आप लोग समझ गए वन से लेकर टू तक टू से लेकर थ्री तक ये पूरा बार चल रहा है यहाँ से वन से टू तक वन बार एक बार मैं फिर दिखा रहा हूँ वन से टू तक वन बार लेकिन इस बार कुछ अलग लग रहा है ध्यान दीजिए जैसे ही मैंने थ्री बाई फोर यहाँ सेलेक्ट कर दिया टाइम सिग्नेचर प्रोजेक्ट का तब यहाँ दिख रहा है कि वन टू थ्री अब फिर से वन आ जा रहा है ये कैसे हो गया भाई मतलब उस समय तो एक घर में चार रूम था लेकिन अब यहाँ तीन रूम कैसे हो गया मैं फिर से उसको चार रूम दिखा के दिखाता हूँ आपको ध्यान से समझिएगा जैसे फोर बाई फोर कर लेते हैं ठीक है अब देखिए वापस एक एक मतलब घर में चार रूम हो गया वन से लेके कर टू तक एक घर मान लीजिए फिर वन रूम टू रूम थ्री रूम फोर रूम अब इसी को जब मैं थ्री बाई फोर कर देता हूँ तो फिर यहाँ देखा जाए तो यहाँ देखिए वन से ले कर टू तक में बस तीन ही रूम है वन टू थ्री फिर से वन तो जब आप इसको सुनेंगे यानी यहाँ बार्स में ये कुछ ऐसा हो जाएगा ये वन बार अब ऐसा हो गया तो जब आप इसका सुनते हैं ऐसा हो जाएगा वन टू थ्री वन टू थ्री वन टू थ्री तूने क्या कर डाला ओके तो ये अब हो गया थ्री बाई फोर तो जब भी आपको एक बार में यानी कि एक घर में तीन कमरे दिखे वन टू थ्री तब आप समझ जाइए कि वो क्या है थ्री बाई फोर लेकिन अगर एक कमरे में सॉरी वो एक घर में या फिर एक बार में चार रूम दिखे इस तरीके से वन टू थ्री फोर फिर वन सुनिएगा तो पता भी चलेगा टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ओके तो ये क्या हो जाएगा फोर बाई फोर ओके मतलब एक बार में अगर चार बीट्स है तब वो फोर बाई फोर लेकिन अगर एक बार में तीन बीट्स है तो वो हो गया क्या थ्री बाई फोर बस इतना दिमाग में आप रख लो अब मैं चैलेंज करता हूँ कि बहुत तगड़ा म्यूज़िक बनाओगे फॉर एग्जाम्पल मैं बना के आप लोग को दिखा रहा हूँ प्रैक्टिकली क्योंकि थ्योरेटिकली तो चलो ठीक है सीखना ठीक है बट जब तक देखेंगे नहीं तब तक यकीन कैसे करेंगे तो चलिए यकीन करवा देते हैं अब आपको तो इतना हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं दो बार को दो बार कैसे हो गया ये वन से ले कर टू टू से ले कर थ्री अब यहाँ पर कोई बीट क्रिएट करते हैं हम लोग जाते हैं पियानो रोल में ओके यहाँ पर देन हम लोग एक बीट बनाते हैं धक 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 ओके okay, देन फिर से धक धक मैं जो बोल रहा हूँ वो है किक फिर से धक और एक स्नेयर ओके okay? एक क्लैप भी डाल देते स्नेयर के साथ प्यारा लगेगा ओके okay? तो एक हाईअस भी डाल देते चलो भाई थोड़ा सा और स्वाद आ जाएगा इसका ये ये ओके ओके अब मैं इसे खींच देता हूँ एक लूपिंग कर देता हूँ टिक कर देता हूँ प्ले करते हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे ये तो हो गया लेकिन जब मैं इसे थ्री बाई फोर कर दूंगा तो देखिएगा थोड़ा सा अटपटा लगेगा मेट्रोनॉम के साथ इसी बीट को देखिएगा सुन के ध्यान से अगर आप सुनिएगा तो मेट्रोनॉम इधर उधर जा रहा है यहाँ फोर बार तक हम लोग सेलेक्ट करके रखते हैं आई मीन थ्री बार तक सुन के देखिएगा लो ये तो छूट रहा है यहाँ पे क्यों छूट रहा है क्योंकि इसका टाइम सिग्नेचर कुछ और है क्योंकि इसने इसे हमने बनाया था फोर बाई फोर में तो जब हम लोग यहाँ सेट करेंगे अब इसको तो, तो देखिए ये मैच कर गया बार के साथ आप इसको ड्रैक करके से मैच कर सकते हैं देखिए यहाँ टू बार्स में ये सही आ रहा है टक टक भी सही सुनाई दे रहा है जो मेट्रो नंबर्स है ना वन टू थ्री फोर टक 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 उसके साथ ये सही लगेगा वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर इसके साथ तो सही था लेकिन जैसे ही हम थ्री बाई फोर करेंगे धन ये क्या हो जाएगा वन टू थ्री देखिए गड़बड़ हो गया मैच ही नहीं कर रहा है मेरे लिप्स के साथ भी क्यों ऐसा हो गया क्योंकि ये गलत टाइम सिग्नेचर है तो बहुत सारे बीट्स आप आप सोचते होंगे ना कि अरे मैं उसकी तरह बीट क्यों नहीं बना पा रहा हूँ उसका रीजन टाइम सिग्नेचर होता है अगर आपको टाइम सिग्नेचर का नॉलेज नहीं है तो फिर आपको बहुत दिक्कतें आने वाली है लेकिन आप भाई इस वीडियो को देख गए हो अगर आप यहाँ तक हो तब अब आपको दिक्कत नहीं आएगा अब चलो हम लोग एक बीट बना लेते हैं थ्री बाई फोर में इसको थ्री बाई फोर छोड़ देते हैं इसे हम लोग क्या करते हैं डिलीट और हम लोग बना लेंगे फिर से तो टू बार्स ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक वन बार यहाँ से यहाँ तक टू बार्स देन जाते प्यानो रोल में अब कुछ बनाते हैं सुनते हुए ओके वन टू थ्री वन वन टू थक थक यहां पे आएगा देन वन टू थक वन टू थक कुछ इस तरीके से चलेगा ये सुनते हैं आप सुनिए वन टू थक वन टू थक वन टू थक अब ढूंघ थक ढूंढूंग थक अब ऐसे करते हैं ढूंघ थक ओके अब थोड़ा हाई हेड्स फिर इसको ऐसे करते हैं। चुक, चुक, फिर ओके गाइस तो ये हमारा बन गया क्या होगा इस पे कर डाला, मर गई, मैं, मिट गई मैं इस तरीके से आप थ्री बाई फोर का गाना बना सकते हो तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा थोड़ा सा मैं लड़खड़ आ गया था क्योंकि एक्चुअली आज माइक मेरा दूसरा यूज़ हो रहा है और मैं स्टूडियो में नहीं आज मैं अपने एक रिलेटिव के घर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ ट्यूटोरियल तो थोड़ा सा मेरे को दिक्कत आ रहा है उसके लिए माफ कर दीजिएगा तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में अगला वीडियो हो सकता है मैं लाऊँ एडवांस कॉड पे ओके सी माइनर नाइन्थ सी मेजर सेवेंथ इस तरीके का कॉर्ड पे अगला ट्यूटोरियल आएगा ओके okay, तो मिलते हैं हम लोग अब अपने अगले वीडियो में थैंक यू सो मच सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर करें